नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव के छह चरण पूरा होने के बाद से अब अंतिम चरण की तैयारियां जोर पकड़ चुकी है। सभी पार्टियों के नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, और इधर हरियाणा में 25 मई को हुए मतदान के बाद से बीजेपी की समीक्षा जारी है। बीते दिनों बैठक हुई और अब बीजेपी के बड़े नेता इस समीक्षा को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हरियाणा में लोकसभा की सभी सीटों पर भाजपा जीत हासिल करेगी, और जीत का मार्जिन कहीं कम तो कहीं ज्यादा हो सकता है, लेकिन बीजेपी की जीत पक्की है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है उन्होंने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में बोगस वोटिंग करवाई है, जिसके खिलाफ सरकार कार्रवाई भी करेगी, जिसके बाद से प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप की जैसे बाढ़ सी आ गई हो। बीजेपी नेता कृष्णमूर्ति ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि हुड्डा ने बीजेपी के एजेंटों को डराया धमकाया और रोहतक समेत सिरसा में बोगस वोटिंग करवाई, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग को दी जाएगी। लेकिन इन बातों के बीच एक और बड़ा आरोप चर्चा में है, जिसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी लगा रहे हैं। एक तरफ सोनीपत से बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बडोली ने अपने ही बीजेपी नेताओं पर कांग्रेस के लिए प्रचार करने का आरोप लगाया है, तो वहीं करनाल उपचुनाव के कांग्रेस उम्मीदवार त्रिलोचन सिंह ने कांग्रेस नेताओं पर बीजेपी के लिए प्रचार करने का आरोप लगाया है। मोहनलाल बडोली ने सीएम से मिलकर सबूत देने की बात कही है, लेकिन इन सबके बीच मतगणना की तैयारियां भी जोर पकड़ चुकी है। तीन शिफ्ट में मजिस्ट्रेट अधिकारियों की ड्यूटी के साथ ही सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में तीन लेयर का कड़ा पहरा स्ट्रांग रूम पर लगाया गया है, और अब सभी को इंतजार है तो बस 4 जून का। देखिए, मतदान के बाद में जितनी भी हमारी ईवीएम मशीन या इलेक्शन मटेरियल था वो अब स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है, और त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था हमने करी है। जो इनर कॉर्डन है उसमें सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स लगाई गई है, और जो मिडिल कॉर्डन है उसमें हरियाणा आर्म्ड पुलिस तैनात की गई है, और जो आउटर कॉर्डन है उसमें जिला पुलिस तैनात की गई है। तो तीन घेरे सुरक्षा की व्यवस्था के हिसाब से बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, और साथ ही डीएसपी रैंक का एक ऑफिसर और सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से एक गजेटेड ऑफिसर जो यहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया है उसमें 24 घंटे तैनात रहेंगे, ताकि यदि किसी प्रकार का कोई भी इश्यू आए तो उसका तुरंत समाधान किया जा सके। ऐसे नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज आज निर्णय प्रक्रिया में मोदी जी अमित शाह जी इनका देश और दुनिया में धाक जमी है कि कितने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं उसको कैसे सरल तरीके से और उसका निर्णय ले लेते हैं। अब कांग्रेस के लोग हमेशा डराते रहे क्या, अगर आपने राम जन्मभूमि के विषय को हाथ लगाया, अगर आपने 370 को हाथ लगाया तो गृह युद्ध हो जाएगा, देश में खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी के शरीर पर कोई खरोंच आई? कितना स्मूथली ये सारे काम हुए, राम जन्मभूमि का कोर्ट ने निर्णय दिया। कुछ पार्टी के नेताओं ने जो पार्टी के खिलाफ काम किया है उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है, समय पर उनके ऊपर एक्शन भी होगा और समय पर उनको उसका भुगतान भी करना पड़ेगा, खामियाजा भी था। जिन लोगों की आईडी और वीडियो सामने आई है वो मेरे पास अभी मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने जरूर सुना है पत्रकारों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं ने भी अपने फोन में मेरे को सुनाई है एक दो वीडियो, और जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए सीधा काम किया है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है, ना कि भाजपा की। कुछ कर्मचारियों ने, जिन कर्मचारियों ने इस प्रकार से गैर कानूनी ढंग से चुनाव के अंदर एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता के रूप में काम किया है उनको चिन्हित करके उन पर जरूर एक्शन होगा। प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये जरूर कहा है कि जिसकी भी कोई बात है वो समीक्षा बैठक नीचे से, जैसे हर विधानसभा में समीक्षा बैठक होगी, वहां के कार्यकर्ता जिस प्रकार का फीडबैक देंगे वो फीडबैक ऊपर पहुंचाने का काम है। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। राम राजी शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंश वत्स जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही बिट्टू नैन जी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और थोड़ी देर में इनेलो के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सब बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। पहला सवाल अंश जी आपसे ही कर लेते हैं, बीजेपी बड़ा आरोप लगा रही है हरियाणा में कि बोगस वोटिंग हुई है, रोहतक में सिरसा समेत कई अन्य जगहों पर बोगस वोटिंग का एक बड़ा आरोप आप पर लग रहा है।
देखिए सच्चाई ये है कि भाजपा जो है वो पूरी तरह से बौखलाई हुई है। छह चरण के जो चुनाव के नतीजे उनको आ रहे हैं, जो उनकी समीक्षा बैठक जिन्होंने की है, समीक्षा किया कि छह चरण में क्या उनके परिणाम आ रहे हैं, तो इस पे इनको स्पष्ट है कि इनको कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि इनकी सरकार बनने जा रही है। इस वजह से इनके तमाम मंत्री, इनके तमाम प्रत्याशी, सांसद और ना केवल सिर्फ यही बल्कि प्रधानमंत्री खुद भरे मंच से जगह जगह जाकर वो अनाप शनाप बकने का काम कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि वो लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनको अपना हार जो है अपनी वो उनको साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन वत्स साहब एक बड़ी बात ये भी तो है, आप कह रहे हैं कि उनको हार का अंदाजा लग गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि इन छह चरणों में हमने जो सर्वे किया है 370 तो हमें छह ही चरणों में मिल गया है। वो कह रहे 370 सीटें हमको छह चरणों में मिल चुकी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बकायदा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बात कही है। देखिए भाजपा की मैं किस बात का विश्वास करूं, भाजपा के एक तरफ ये कहते हैं कि इनको 370 सीटें मिल रही हैं, और अगर इनको 370 सीटें मिल रही हैं, मैं आपसे ज्योति जी एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको दिख रहा है कि आप एक मैच खेल रही हैं, गेम खेल रही हैं, उसमें आपको पता है कि आप जीत रहे हो, ठीक है, आपके सामने जो है वो व्यक्ति कमजोर है और आपको सब कुछ पता है कि आप जीत रहे हो, क्या आप मुझे एक चीज बताइए, जब आप वो गेम खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, उसमें क्या आप अनैतिकता के साथ उसको फिर खेलना शुरू करोगे? जब आपको पता है कि अगर आप जीत रहे हो उसको तो आप नैतिकता के साथ खेलोगे ना। लेकिन तो आपको अगर लग रहा है कि आप जानते हैं कि आप जीत रहे हैं इसीलिए आप नैतिकता के साथ खेले। सुनो एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ अगर भाजपा को लग रहा है कि उनको 370 आ रही है तो क्यों इस चुनाव को नैतिकता के आधार पर नहीं लड़ रहे हैं, क्यों वो तमाम षड्यंत्र लगाकर उसको पूरा हर वो होता है ना काम दाम दंड भेद लगाकर वो चुनाव को लड़ने पे आ गए कि भैया चाहे संविधान को कुछ भी कुचला जाए, कुछ भी हो, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाए, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाए, कुछ भी, प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है वो भी उसकी फिक्र नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री अगर इतने ज्यादा आश्वस्त हैं कि उनकी 370 सीटें आ रही, उनकी 400 पार आ रहा है, तो क्यों प्रधानमंत्री भरे मंच से मुजरा जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? आपको समय की पाबंदी है, लिमिटेड समय है। शर्मा जी सुन रहे हैं आप वत्स साहब को, लेकिन आपकी तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है बोगस का, बोगस वोटिंग कराई गई है कई जगहों पर। वो कह रहे हैं अगर आप नैतिकता के आधार पर अगर आपको लगता है कि आप जीत रहे हैं तो आप इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं और इस तरीके की बातें क्यों कह रहे हैं। और दूसरी एक बड़ी बात और कि आपके प्रत्याशी जो है सोनीपत से मोहनलाल बडोली जी, उन्होंने ये बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा है कि हमारे ही कुछ बीजेपी के नेता है जिनमें विधायक तक शामिल है, वो लोग कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे, उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है उस चीज की, तो ये क्या चल रहा है पार्टी में? देखो ज्योति जी, मोहनलाल बडोली हमारे प्रदेश महामंत्री हैं, मौजूदा विधायक हैं और संगठन कौशल हैं, बड़े अनुभवी हैं और सोनीपत से हमारे कैंडिडेट भी हैं, तो उन्होंने इस तरह का जो आरोप लगाया है तो उनको शिकायतें मिली हैं, उनको इनपुट मिले हैं, कार्यकर्ताओं के फोन गए हैं और वीडियोस मिले हैं, तो उस पर पार्टी विचार कर रही है और हर विधानसभा वाइज समीक्षा बैठक की जाएगी। तो सरकारी कर्मचारी भी इसमें कई इन्वॉल्व हैं, उनकी भी शिकायतें आई हैं, कार्यकर्ता हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, तो निश्चित तौर पर समीक्षा में ये सामने आ जाएगा, कार्यकर्ता बता देंगे। और बोगस वोटिंग पर क्या कहेंगे सर? बोगस वोटिंग का बड़ा आरोप आपके द्वारा कांग्रेस पर लगाया जा रहा है। देखो बोगस वोटिंग हुई है तो जब भी तो प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं, अगर नहीं हुई होती तो क्यों आरोप लगाएंगे? और फिर वो ऐसी बात नहीं, कोई मामूली आदमी तो है नहीं, मौजूदा विधायक हैं। लेकिन सर इस बात पर विपक्ष ये कह रहा है, शर्मा जी विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार आपकी है, हम कैसे बोगस वोटिंग लगा कर सकते हैं, हम कैसे फर्जी वोटिंग करवा सकते हैं, हम तो नैतिकता के आधार पर जनता के बीच गए। देखो उसमें जरूरी नहीं है सरकार आपकी और बोगस वोटिंग ना हो, कई बार ऐसी पहले भी ऐसा हुआ है और आज भी ऐसा हुआ है, तो ये सब मामले जांच का विषय है, हमारी पार्टी जांच कर रही है और सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। और बोगस वोटिंग हुई है तभी तो उन्होंने कहा है, नहीं हुई होती तो क्यों कहते हो? चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। फिर भी भगवान की कृपा से हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, आपकी बार 400 पार, एक बार फिर मोदी जी का सरकार, हरियाणा में भी हम 11 कमल खिलाएंगे, भगवान के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन की आशीर्वाद से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उपचुनाव जीत रहे हैं और 10 की 10 सीटें हम जीत रहे हैं। ठीक है शर्मा जी, लौटूंगी आपके साथ, और भी मेहमान बने हुए हैं, बिट्टू जी हमारे साथ बने हुए हैं। बिट्टू जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
बिल्कुल बिल्कुल जी। बिट्टू जी, बातें हो रही है, एक तरफ बोगस वोटिंग की बातें हो रही है, दूसरी तरफ आरोप लग रहा है दोनों पार्टियों का, कांग्रेस और बीजेपी का, कि हमारे नेता कांग्रेस के लिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं कुछ, और कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो ये सब कुछ चल रहा है, इस पर रिएक्शन क्या है जेजेपी का? ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं जो आपके सभी दर्शक उनको राम राम कहना चाहूंगा, और उसके बाद रही बात बीजेपी वाले भाई हैं और हमारे कांग्रेस वाले साथी हैं जो बताने लगे हैं बोगस वोटिंग हुई, चुनाव आयोग आप खुद का है, चुनाव आयोग बाहर का थोड़ी है आपका, इंक्वायरी करवा लो बोगस वोटिंग वाली बात कहाँ है। और रही बात इनकी, तो जो बात कह रहे हैं ना दोनों का, जो संगठन है इनका, वही बात है इनका, दस से बाहर की बात हो रही है, दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं। अगर आपको आपके संगठन में किसी ने कोई कोताही बरती है, अनुशासनहीनता करी, उसके ऊपर कार्रवाई करो, ये तो बहस का विषय नहीं है कि आप इस पर डिबेट कराओगे, आपके कार्यकर्ताओं ने क्या, आपके विधायक ने क्या किया, आप उनको बर्खास्त भी कर सकते हो, नोटिस भी दे सकते हो। निश्चित तौर पर, चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। वत्स साहब, वो कह रहे हैं कि बोगस वोटिंग हुई है इसीलिए कहा जा रहा है, और जो प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस के लिए हमारे नेता, जिनकी बात बडोली साहब ने कही थी, उन पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये हुआ है, डराने धमकाने का काम हुआ है जो हुडा साहब ने करवाया है। लेकिन इस बीच आपके नेता भी एक है, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा, वत्स साहब आपके नेता भी हैं त्रिलोचन जी, जो उपचुनाव में उतरे थे आपके तरफ से मैदान में, उन्होंने भी कहा है कि पीठ पर छुरा घोपने का काम किया है कुछ नेताओं ने, हुडा साहब को उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं ने पीठ पर छुरा घोपने का काम किया है और हमारी पार्टी में रहते हुए बीजेपी के लिए प्रचार किया है, तो ये कौन है ये लोग, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी पार्टी, क्या चल रहा है ये सब? देखिए, जो त्रिलोचन जी ने कहा है उस पर तो मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो वो किसी आधार पर कहा होगा, बाकी का मुझे उस विषय में इतनी जानकारी है नहीं, तो उस विषय में मैं इतना नहीं कहूंगा। लेकिन जो रही बात भाजपा जिस प्रकार से आरोप लगा रही है, कि मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, सारा सरकारी प्रशासन इनका, सब कुछ इनका, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि हम लोग फर्जी वोटिंग करवा सकते हैं? आप मुझे एक चीज बताइए, असल बात यह है कि भाजपा का जो नैतिक दिवालियापन है वो पूरी तरीके से उनका निकल चुका है। बात यह है, इन्होंने, आप देखेंगे जब चुनाव शुरुआत हुआ तो उससे पहले देखिए, यही तो मैंने कहा उनसे, मैंने कहा कि विपक्षी ये बात को कह रहे हैं कि आपका आपकी आपका शासन है, आपकी सरकार, हम कैसे करवाएं, वो कह रहे हैं इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपकी सरकार हो, डराने धमकाने का काम हुआ है। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ ना, आप सुनो तो सही, इतनी सब बातों को देखिए, जब इन सब बातों को हम सुनते तो हमें हंसी आती है, मतलब आप किस ग्राउंड पे कह रहे हैं, आप किस बेस पे ये सारी बातें कह रहे हैं, मतलब आपको चुनाव लड़ना है, आपको दिख रहा है कि आप हार रहे हो, तो कोई ना कोई बहाना लगा दो, कोई मुझे आप एक चीज बताइए, कोई चोरी है तो नहीं कहेगा कि भाई हमने चोरी की है ना, उसी प्रकार से ये इस बात को स्वीकार थोड़ी ना करेंगे कि इन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया जनता के लिए, इस वजह से अब किस आधार पर ये जनता के बीच में चुनाव लड़ने जाएंगे, तो कोई इनके पास मुद्दा तो था नहीं, तब अपनी हार को छुपाने के लिए क्या कहेंगे, तो सोचे से इन्होंने ये बहाना लगा दिया कि भैया फर्जी वोटिंग हो रही है। अरे भैया, आप हुड्डा जी पे आरोप लगा रहे हो कि हुड्डा जी ने दरा धमका के फर्जी वोटिंग करवाई है, लेकिन उन्हीं हुड्डा जी पे आप पूरा सरकारी प्रशासन लगाते हो, उनको ईडी सीबीआई के द्वारा आप प्रताड़ित करते हो, तब वो मतलब तब वो हुड्डा जी जो है वो इनके थोड़े कहते हैं कि भैया कंट्रोल में आ गए कभी कभार, तो ये भी हमने बीच बीच में डिबेट में कई बार सुना कि भैया मैच फिक्सिंग हुई है, अभी क्या क्या चीजें, ये पूरी जो सारी बातें, ये बीजेपी ने पूरी एक अपनी हार को छुपाने के लिए एक बहाने की एक पोटली उन्होंने, लेकिन ये जो आरोप की बात आप कर रहे हैं वो इनेलो और जेजेपी लगाती है इस बात का आरोप की मैच फिक्सिंग हुई है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, जेजेपी हो, इनेलो हो, कोई भी हो, पर आप खुद सोचिए, मतलब जब ईडी सीबीआई हुड्डा जी को परेशान करती है तब हुड्डा जी इतने मजबूत नहीं होते, लेकिन जब बात आती है वोटिंग की, हुड्डा जी बड़े मजबूत हो जाते हैं कि पूरे प्रशासन पे वो धरा धमका के फर्जी वोटिंग करवा लेते हैं। मतलब आप कुछ सोचिए कि कुछ लॉजिक उनकी बातों में कुछ होना तो चाहिए, कुछ बेस तो होना चाहिए ग्राउंड इनकी बातों में। आप मुझे एक चीज बताइए, जब शुरुआत हुआ था 2024 का चुनाव में, मोदी सरकार ने एक अपनी ये रद्द किए कि उन्होंने नीति निकाली थी जिसमें तमाम जो सरकारी कर्मचारी थे वो भाजपा की सरकार की जो नीतियां रही हैं उनका वो प्रचार करेंगे। अब असल बात यह है कि उन्होंने इसको करने से मना कर दिया होगा,
अब उस चीज को उन्होंने देखा कि भैया अच्छा यहाँ पे इन्होंने कर्मचारी जो है उन्होंने सरकार की वाहवाही नहीं की है, उन्होंने सरकार के पक्ष में उन्होंने वो नहीं किया कि भैया यहाँ पे फर्जी वोटिंग डलनी चाहिए, यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रकार की जो चीजें हैं वो चीज में उन्होंने उनका सहयोग नहीं दिया, तो वहां पर उन्होंने आरोप लगा दिया कि भैया यहाँ पे फर्जी वोटिंग डली है। लेकिन असल बात ये कि जो सरकारी कर्मचारी उन्होंने ओपीएफ को चुना है, सरकारी कर्मचारी जो है उन्होंने नैतिकता के आधार पर एक अच्छी सरकार को चुनने का काम किया है ताकि उनके आने वाली पीढ़ी को भी रोजगार मिले। ठीक है बस साहब, रोकूंगी आपको। शर्मा जी वो कह रहे हैं कि आपको दिख रहा है आप हार रहे हैं इसीलिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, कहीं आप कहते हैं मैच फिक्सिंग है, कहीं आप कहते हैं कि फर्जी वोटिंग कराए, ये संभव ही नहीं है, आपको पता है कि आप हार रहे हैं इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस का कहना है। देखो हार जीत का फैसला तो ज्योति जी 4 तारीख को पता चलेगा और हम जीत रहे हैं, 10 की 10 सीट जीत रहे हैं क्योंकि देवतोला जनता जनार्दन के ऊपर हमारा विश्वास है और हमने अच्छा काम किया, काम के आधार पर हम जनता के सामने गए हैं। और रही बात जो भाई आरोप लगा रहे हैं ईडी पे, सीबीआई पे, चुनाव आयोग पे, आपको पता होना चाहिए वो निष्पक्ष हैं, उन्होंने क्यों किसी का पक्षपात नहीं करते, इंडिपेंडेंट हैं। तो रही बात ऐसा है, हमने विदेश में भी दाग जमाई है, धारा 370-35 जम्मू काश्मीर से हटाई है, ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, चंद्रयान चांद पे पहुंचाया है, तो विदेश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारा रुतबा बढ़ाया हमारे देश का, तो कतर से भी 9 भारतीयों की जान बचा के वापस लाए हैं और रशिया और यूक्रेन का युद्ध बीच में रोक के हमारे छात्रों को वापस लाए हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं जो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी की सरकार ने किए हैं। 5 लाख तक का क्या नाम है इलाज फ्री हो गया है, पहले हम ब्याज के ब्याज से संबंध रखते हैं, ब्याज पर रुपए उठा के ले जाते थे जब हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता था, ब्याज ब्याज में हमारी क्या नाम है जमीनें बिक जाती थी, हमारे प्लॉट बिक जाते थे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा ऐतिहासिक काम हुआ है, पहले इनके टाइम में भर्तियां किस आधार पर होती थी, भाई मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के, अपने परिवार के, अपने भाई भतीजावाद, अपने अपने जाति के, उनको नौकरी लगाता और हमने इस परंपरा को तोड़ा। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कपड़ा नहीं लगा था, आज क्लास वन अफसर लग रहा है, अपने आप में गौरव की बात है, हमने किया है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम, समान विकास कार्य हमने किया। ठीक है शर्मा जी, लौटूंगी। बिट्टू जी अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं और लगातार कहा जा रहा है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। वहां कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को हार का डर है, बीजेपी कहती है कांग्रेस में बौखलाहट है। इन सबको अगर किनारे कर दिया जाए तो मतगणना भी नजदीक है, 4 जून के समय में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में स्ट्रांग रूम में जो है लगातार सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबसी कर दी गई है, अपनी तरफ से तैयारियां प्रशासन पूरी कर चुका है, चुनाव आयोग पूरी कर चुका है, तो ऐसे में क्या लगता है 4 जून को कुछ समर्थन मिलेगा आपको, कुछ उम्मीदें लग रही है इस बार जनता आपके पक्ष में वोट कर रही है या कर चुकी है? ज्योति जी एक तो मैं चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, उन दोनों पार्टियों से पूछना चाहूंगा, हमने हमारे कैडर के लोगों को चुनाव लड़वाने का काम किया है, इन दोनों की दोनों पार्टियों ने अपना कैडर का चुनाव के साथी को नहीं लड़ाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी की बात को तो इन्होंने कहां से हरिद्वार से चुनाव लेके आने का काम किया है, उसके बाद राज बब्बर जी को गुड़गांव से चुनाव लड़वाने का काम किया। अरे भाई यहाँ कोई कैडर का आदमी नहीं था क्या चुनाव लड़ने के लिए? ऐसे ही काम किया है बीजेपी ने। अशोक तंवर जी कोई कैडर से मतलब नहीं, धर्मवीर जी कोई कैडर से मतलब नहीं, अरविंद शर्मा जी कोई कैडर से मतलब नहीं। और बात में बात करते हैं लोग, कहते हैं बोले हमारी तो मुखालफत कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई अपने कैडर पे अगर इतना ही विश्वास था, अपने संगठन पे, ग्राउंड पे इतना ही अच्छा काम कर रखा है तो अपने लोगों को चुनाव लड़वाओ ना आप। लेकिन जो बार बार जेजेपी द्वारा आरोप लगाया जाता है, मैच फिक्सिंग के जो आरोप लगातार पिछले दिनों लगाए जाते रहे कि रोहतक को लेकर बात फिक्स हो रखी है, उसको तो सिरे से खारिज कर रहे हैं कांग्रेस वाले, कह रहे हैं इस तरीके की कोई बात नहीं है। ज्योति जी ये तो मैच फिक्स है ना, बताओ ना आप, ये बताओ आप हरिद्वार से ब्रह्मचारी जी को चुनाव लड़वाने काम करते हो, ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आप गुरुग्राम से, अरे ये तो बीजेपी नई और बीजेपी पुरानी ये लगा ले, बीजेपी की बजाय कांग्रेस नई और कांग्रेस पुरानी, दोनों के दोनों एक साथ ही है, अपना 50-50 गेम खेल रहे हैं, कोई मतलब नहीं। और वो कहते हैं आप बीजेपी वालों के साथ मिले हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं हमारे तो कार्यकर्ता हमारे 11 की 11 सीटों पे बिल्कुल शिद्दत से चुनाव लड़ा और जो जनता हमें मतदान देगी हम शर्माते हैं उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने अपने आदमियों को चुनाव लड़ाया ना, इनकी तरह तो नहीं हमने बाहर से पोल करने का काम किया, हमारे अपने आदमी चुनाव लड़ने लग रहे हैं आज पूरे प्रदेश के अंदर, हमारे कैडर के लोग हैं,
इनकी तरह नहीं, हमने पूरा जीवन जिन लोगों ने पूरा जीवन अपने कैडर को देने का काम किया, और जिस समय टिकट देने की बात आती है, चुनाव लड़वाने की बात आती है, ये बाहर से कैंडिडेटों को उतार के लेके आते हैं, क्या कसूर है उन लोगों का जिन्होंने पूरा पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को देने का काम किया है। ठीक है बिट्टू जी, लौटूंगी, समय की थोड़ा सा कमी है। ठीक है लौटूंगी। व्हाट्सएप ये कह रहे हैं नई बीजेपी पुरानी बीजेपी लगा लीजिए, जेजेपी प्रवक्ता का कहना है, तो ऐसे में जवाब देते हुए फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। चीज कहना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि भैया हम अपने कैडर को नहीं चुनाव लड़ा रहे, मेरे को एक चीज बताइए, हमने अपने 9 प्रत्याशी उतारे थे, ठीक है, आप ले लीजिए करनाल से हमारे जो लोकसभा सांसद के प्रत्याशी है दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, वो पहले एनएसवाई के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके बाद यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष रहे, और उन्होंने अपना जो है राजनीति इतने कम उम्र में एक अच्छी सी राजनीति उन्होंने शुरुआत की, हमारे हरियाणा से ही ताल्लुकात रखते हैं। वरुण चौधरी जी हमारे हरियाणा से ही ताल्लुकात रखते हैं, ठीक है, आप किसी भी प्रत्याशी को लगा लीजिए, ठीक है, सारे के सारे हमारे जयप्रकाश नारायण जी हरियाणा से ही ताल्लुकात रखते हैं, हरियाणा के ही हमारे लोकल इतने बड़े नेता है, मजबूत नेता जो कि पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं भारत सरकार में, तो आप देख लीजिए सारे के सारे हमने अपने कैडर को ही दिया है। और राज बब्बर जी की जो ये बात कर रहे हैं वो 5 बार के एमपी रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, सतपाल जी की बात भी उन्होंने की। नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि हमने जो भी एक अपने जितने भी हमने कैंडिडेट उतारे हैं वो जनता के, आप मुझे एक चीज बताइए, हमने राज बब्बर जी को वहां पर उतारा गुड़गांव में, ठीक है, किसी भी एक व्यक्ति ने विरोध किया हो तो आप मुझे बता दीजिए। अजय यादव जी जो थे हमारे, उन्होंने कहा था कि भैया वो बड़े नाराज हो जाएंगे, लेकिन क्या हुआ असलियत में अगर आप देखेंगे वो बल्कि खुद उनका प्रचार कर रहे थे, है ना, तो बात की बात है ना, पहले तो नाराज थे साहब, आप इनकार करें चाहे ना करें, तो मुझे आप एक चीज बताइए, अगर कोई व्यक्ति नाराज होगा तो कोई व्यक्ति किसी के लिए अपने प्रतिद्वंदी के लिए क्या प्रचार करेगा? लेकिन फिर यही बात तो फिर मजबूती से करेंगे क्या वो प्रचार? लागू हो जाती है कि आप लोग कह रहे थे पहले नाराज चल रहे बाद में जब वो प्रचार में तो फिर तो बात हो जाती है उनके लिए भी लागू। देखिए हम सब लोगों के लिए अपना लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी सर्वोपरि है, और हम लोग अपनी जो पर्सनल जो एक इंटरेस्ट होते हैं, अपनी इच्छाएं होती हैं, उनको कभी कभार हम लोग साइड रख देते हैं, और लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को सर्वोपरि रखकर, अपनी पार्टी को सर्वोपरि रखकर हम ये चुनाव लड़ने का काम करते हैं। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा लास्ट में कि जेजेपी के और इनोलो के जो लोग हैं ये बार बार जो आरोप लगाते हैं मैच फिक्सिंग का हुआ है रोहतक के लिए करनाल के लिए, आप किस आधार पर कह रहे हो कि मैच फिक्सिंग का काम हुआ है? क्या ग्राउंड है? आप ऐसे मन बे मन में आप उठा के आपने आरोप लगा दे कि भाई मैच फिक्सिंग हुई है, कोई ग्राउंड तो होना चाहिए, कोई प्रमाण की बात लेकर के तमाम सारी दलीलें देते हैं व्हाट्सएप, वो तमाम सारी दलीलें देते हैं, वो कहते हैं कि वहां पर प्रचार के लिए नहीं जा रहे। खैर इतना डिस्कस करने के लिए अभी समय की थोड़ा सा कमी है। शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी फाइनल कमेंट लेते हुए, 10-15 सेकंड का वक्त आपके पास है, ये नई बीजेपी पुरानी बीजेपी पर कमेंट करते हुए फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। देखो हमारी कैडर बेस पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारा संगठन बहुत मजबूत है, ऐसा कुछ नहीं है, नई बीजेपी सब बराबर हैं। एक आम कार्यकर्ता, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये बीजेपी में संभव है। एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है, ये बीजेपी में संभव है। कांग्रेस में है राजा का बेटा राजा बनेगा, एमएलए का बेटा एमएलए बनेगा, इसमें खैर फिलहाल समय की कमी है। शर्मा साहब आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 25 मई को वोटिंग हुई थी, अब 4 जून का इंतजार सभी को है, कब वोटिंग की गणना होगी और कब पता चलेगा कि 10 सीटों पर आखिर कौन जीत पाया, क्योंकि लगातार अपनी अपनी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, कांग्रेस के अलग दावे हैं और बीजेपी के अलग दावे हैं, साथ ही इस बीच जो है क्षेत्रीय पार्टियां भी इस बार काफी दमखम से मैदान में उतरी थी। तो आज के मसले में इतना ही, नमस्कार।